Assalamu alaikum, everybody. This is Asad Hussain Razi again, and today we are going to discuss parts of speech. And this is the second lecture of our session English grammar. So today we will go for the detailed discussion on parts of speech. So सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ. पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें कुछ फ्रेंड्स ने कुछ शिकायत की थी जो मैं आप लोगों को, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म था और मैं जानता हूँ कि वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था जो कि मेरे बहुत से काबिल दोस्तों ने, मतलब वो शिकायत की थी और एक एक, एक, एक किस्म की क्रिटिसिज्म थी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, जिनमें एक बात ये थी कि जो लेक्चर आप दे रहे हो इसमें आप मतलब डिटेल डिस्कशन पे जाते हो, जिस जो कि पिछले लेक्चर में मैंने एक मैं कह सकता हूँ जिसमें मैंने एक मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स पर डिस्कशन की थी, उसको मैंने डिस्कस किया था. तो वो इसलिए किया था कि उस ग्रामर की एक डिफिनीशन में ये दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज हुए थे, लिहाजा मैंने इसको यूज किया था. दूसरी शिकायत जो मेरे एक फ्रेंड ने की थी वो भी मैं कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था और एक मेरी भलाई के लिए था. वो ये कह रही थी कि जो मतलब जो लेक्चर आपने दी है इसमें आपने एक तो ये कहा है कि वी कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज ओनली थ्रू प्रैक्टिस एंड यू आर नॉट यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन योर लेक्चर, सो देट वॉज यू नो वी कैन से देट वॉज अ जेन्युइन कंप्लेन. बट लेट मी यू नो टेल यू पीपल दैट जो इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी, जो उर्दू लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो व्यूवर्स होते हैं यूट्यूब पर या जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो बिगिनर लेवल के होते हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज से इजीली जो है वो आइडिया गेट नहीं कर सकते. मैंने वो बात एक नसीहत के तौर पर आप लोगों को बताई थी कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी चीज़ मैं टीच कर रहा हूँ या जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करें, उसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. मेरे एक क्लास से आप लोग लर्न नहीं कर सकते until you don't practice, right? So यही थी वो शिकायत. अब आते हैं जनाब इंट्रोडक्शन के ओर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में है क्या चीज़. सो एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग मटीरियल्स ऑफ अ लैंग्वेज, दीज आर द वर्ड्स ऑफ विच अ लैंग्वेज इज बिल्ट. तो मैं आप लोगों को अगर बताऊँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो इसका एक प्रॉपर डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक मिसाल के तौर पर मिसाल से समझाना चाहूँगा कि जो जिस तरह हम कहते हैं कि द ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट ऑफ सेल्स, तो हम सेल्स को ह्यूमन बॉडी की बिल्डिंग मटेरियल्स कह सकते हैं. जिस तरह एक बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट चीज़ों से बनती है, जिसमें ब्लॉक्स शामिल हो, जिसमें सीमेंट शामिल हो, जिसमें बाजरी शामिल हो, जिसमें जो सरिया हो, इसी तरह एक लैंग्वेज जो है या जिस तरह हम कहते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी होती है, सो द सेल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी तरह एक लैंग्वेज जो है वो भी कुछ चीज़ों से बनी होती है जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं. अब द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर यू नो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन एंड आर्टिकल्स. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीन दीज आर द वर्ड्स ऑफ विच अ लैंग्वेज इज बेल्ट. सो आज जो हम डिस्कस करेंगे एक पार्ट ऑफ स्पीच को जिसको नाउन के नाम से जाना जाता है, सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको हम अगले लेक्चर्स में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आइए जी नाउन की ओर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड नाउन. तो आप लोगों के जहन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो एटामोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी है इसको नहीं जानते होंगे. तो एटामोलॉजी है क्या चीज़? एटामोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड. जब हम किसी वर्ड के ओरिजिन को स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एटामोलॉजी. सो एटामोलॉजी ऑफ द वर्ड नाउन इज इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड नोमिन विच मीन्स नेम. यानी इसको ग्रीक यूनानी जुबान के वर्ड नोमिन से, लफ्ज नोमिन से लिया गया है जिसका मतलब है नेम. And if you define it, so there are you know many definitions. As any naming word is called a noun. हर वो word जो एक नाम के लिए इस्तेमाल होता हो उसको क्या कहा जाता है? उसको noun कहा जाता है. The name of a person, place, idea or thing is known as a noun. किसी शख्स, जगह, idea या किसी चीज़ के नाम को noun कहा जाता है.
or anything which we can touch, see and feel is called a noun. So I think it's, you know, quite, I can say it's a valid definition. जो ऊपर दिए गए दो डिफिनेशन है वो भी वैलिड है, लेकिन इस उनसे ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यू नो क्लोज योर आईज एंड देन ओपन इट एंड वट एवर यू सी विल मस्ट हैव अ नेम, सो दैट नेम इज एक्चुअली नोन एज अ नाउन। तो जिस जिस किसी भी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिस किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस किसी भी चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है noun, right? So it was all about the definition and etymology of the word noun. Now let's come to the kinds of noun. So kinds of noun may say, you know, there are various kinds of noun as common noun, proper noun, abstract noun, concrete or material noun, collective noun, regular noun, irregular noun, countable noun, uncountable noun, right? And as well as noun gender. So in may say हम अगर कहें तो जो नाउन के जो काइंड्स है इसको कुछ इसके कुछ काइंड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इसको डिवाइड किया गया है, जैसे जिस तरह के जो रेगुलर नाउन है एंड इरेगुलर नाउन है, और कुछ जो है वो ऐसे है कि इनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड किया गया है, जिस तरह की कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर हुआ, एब्स्ट्रैक्ट हुआ, कंक्रीट या मटीरियल हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, काउंटेबल हुआ एंड अनकाउंटेबल नाउन हुआ। एंड कुछ नाउन जो है वो कुछ जेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें से मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन है एंड न्यूट्रल जेंडर है। तो आइए इन ही काइंड्स को स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग डिस्कस करें। सबसे पहले जो काइंड ऑफ नाउन है वो है कॉमन नाउन, द नेम ऑफ अ कॉमन और जनरल जनरल सॉरी द नेम ऑफ अ कॉमन जनरल पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, किसी भी खास सॉरी किसी भी आम यानी आम शख्स चीज़ या जगह के नाम को क्या कहा जाता है, उसको कॉमन नाउन कहा जाता है, जो कि किसी पर्सन को या प्लेस या जगह को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हो। इसके एग्जांपल्स है फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय कैन बी एनी बॉय, सिटी, सिटी कैन बी एनी सिटी, बुक, सो बुक कैन बी एनी बुक, गर्ल, गर्ल कैन बी एनी गर्ल, मैन, मैन कैन बी एनी मैन। सो दीज आर कॉमन नाउन सॉरी बिकॉज दीज आर रेफर टू कॉमन और जनरल पर्सन प्लेस आर थिंग। Now let's come towards proper noun. So the name of a proper or specific person, place or thing. किसी भी proper यानी खास शख्स जगह या चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है, proper noun कहा जाता है। जिसके एग्जाम्पल है अली, जिस तरह की कॉमन नाउन में से बॉय था तो यहाँ अली है, तो बॉय को जो है स्पेसिफाई किया गया है दीर या कराची, कराची और दीर जो है दीज आर द सिटीज एंड सिटी as a common noun over here the city is specified as Deer and Karachi, so these are proper noun jisko yahan specify kiya gaya hai, jis tarah English jo ek book ka naam hai isko bhi specify kiya gaya hai, is tarah Asma, Ahmed, these are the names of the can say the persons, so these are specified, that's why we can say that these are the proper nouns। ab ek note जहन में रख ले कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नेम वुड ऑलवेज बी कैपिटल। जो प्रॉपर नाउन है, जो भी प्रॉपर नाउन हो, जो भी प्रॉपर नेम हो, उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल होगा। ये कैपिटलाइजेशन के रूल्स है, चाहे वो कहा भी हो, चाहे वो सेंटेंस की बिगिनिंग में हो, चाहे वो मिडल में हो या चाहे वो एंड में हो, लेकिन ये जो है ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन के पहले लेटर जो है वो कैपिटल होंगे। अब आइए जनाब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एनी थिंग विच वी कैंट सॉरी विच वी कॉन्ट टच सी बट कैन ऑनली फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये वो नाउन होते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सारो, हैप्पीनेस, समर एंड विंटर, इन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब ऑनेस्टी को हम न तो देख सकते हैं और न टच कर सकते हैं, ब्रेवरी को हम न देख सकते हैं न हम टच कर सकते हैं, इस तरह सारो, हैप्पीनेस, समर एंड विंटर, इन चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो बिलीव्स हैं हमारे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लिहाजा इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। अब आइए कंक्रीट और मटेरियल नाउन के और। सो एनीथिंग विच वी कैन टच एंड सी, हर वो चीज़ जिसको हम टच और देख सकते हैं इसको क्या कहा जाता है, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं इसको कंक्रीट या मटेरियल नाउन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है बुक, चेयर, कार एंड टेबल। अब आप लोग को एक बात बताओ कि कंक्रीट और मटेरियल में भी फिर इन दोनों के दरमियान भी एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि
कंक्रीट नाउन जब हम मटेरियल से, जब हम किसी मटेरियल से एक चीज़ को बनाएं, फॉर एग्जांपल हम एक चेयर को प्लास्टिक या जो सिल्वर या जो भी चीज़, यानी मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को हम मिला के एक चीज़ जिससे बनाएं उसको कंक्रीट नाउन कहा जाता है। तो मटेरियल नाउन बाजरी, फॉर एग्जांपल बाजरी हुई, और वॉल इसको हम कंक्रीट नाउन कह सकते हैं, जो कि बाजरी, डिफरेंट मटेरियल्स, बाजरी हो या जो सीमेंट हो, इससे हम बनाते हैं इसको। तो मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में डिफरेंट ये है कि मटेरियल नाउन इज द मटेरियल ऑफ विच अ कंक्रीट नाउन इज मेड, राइट, अ थिंग इज मेड। तो जो जिस चीज़ को हम बना, हमने बनाया है उसको कंक्रीट नाउन कहा जाता है, और जिन चीज़ों से बनाए हैं उनको हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। मेरे ज़ुबान में अगर उतार चढ़ाव, सॉरी उतार चढ़ाव हो या कोई भी मसला हो आप लोगों को, तो आप लोग जो है कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो, राइट। अब आइए कलेक्टिव नाउन की ओर। द कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स आर नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है ये कलेक्शन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मजमुआ होता है मुख्तलिफ चीज़ों या नाउन्स का। फॉर एग्जाम्पल क्लास, सो क्लास इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। Army, army is the collection of soldiers. Team, team is the collection of players. And herd, herd is the herd is the the collection of many animals. We can say our foxes, our cows, or whatever kind of animal we can say. So these are the collection of many nouns. That's why they are known as collective nouns. Regular noun. अब ये जो जो ऊपर हमने जो discuss किया, ये सारे जो है ये on the basis of its फंक्शन थी, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी है, जो कि हम अगले लेक्चर में मतलब आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो था ये ऑन द बेस ऑफ फंक्शन था। अब आते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। दो काइंड नाउन के वो है, एक रेगुलर नाउन और एक है इरेगुलर नाउन। तो रेगुलर नाउन जो है इज द काइंड ऑफ नाउन विच फॉलोज द रूल्स ऑफ एडिंग एस, ईस और आईएस व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। याद रखिए जब भी रेगुलर किसी भी चीज़, वर्ड, शख्स के साथ रेगुलर लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज़रूर कोई ना कोई रूल्स फॉलो करेंगे। जिस तरह एक रेगुलर स्टूडेंट होता है, जो रेगुलर स्टूडेंट होता है वो उसका वो ये रूल फॉलो कर रहे होंगे कि उसको अटेंडेंस मतलब उसका 100% होना चाहिए या 75% होना चाहिए। वो डेली क्लासेस, वो प्रेजेंटेशंस देंगे, वो क्लास आएंगे और वो जो है मतलब क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेगुलर उसके लिए ये रूल्स होते हैं। इस तरह जो रेगुलर नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, उन वो भी किसी न किसी किस्म के रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। तो अब रेगुलर नाउन कौन से रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, करते हैं वो ये रूल्स फॉलो करते हैं कि द काइंड ऑफ नाउन विच फॉलोज द रूल्स ऑफ एडिंग एस, ईएस और आईएस, जिसके साथ हम एस, ईएस या आईएस ऐड करते हैं जब भी हम इसको सिंगुलर से प्लूरल की तरफ प्लूरल में चेंज करते हैं। जैसा जिस तरह की एप्पल, तो हम इससे इसको अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम इसके साथ एस ऐड करेंगे, बॉय, बॉयज और बॉय, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं और हम इसके साथ एस, ई एस या आई एस ऐड करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेगुलर नाउन, यानी वो ये रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। एक दूसरी बात, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, पूरा जो रूट वर्ड है इसका जो रूट स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल खाली एस एड किया गया है, बॉय बॉयज खाली एस एड किया गया है, मैंगो मैंगोस खाली ई एस एड किया गया है, तो इसको रेगुलर नाउन कहा जाता है। अब जो इररेगुलर नाउन है इसको मतलब जिस तरह मैंने कहा कि रेगुलर नाउन जो है वो किसी न किसी किस्म के रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ये जो इस किस्म के जो इररेगुलर बंदा होता है, जो जिस तरह प्राइवेट स्टूडेंट होता है इसको इररेगुलर स्टूडेंट भी कहा जाता है, या जो इररेगुलर जो भी चीज़ होता है, या आते हैं हम नाउन की ओर, जो इररेगुलर नाउन होते हैं वो नाउन का वो किस्म है जो किसी भी किस्म के रूल्स फॉलो नहीं करते जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल की तरफ ले जाते हैं या सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। द काइंड ऑफ नाउन विच डजेंट फॉलो एनी रूल बट चेंज इट्स स्ट्रक्चर वाइल चेंजिंग इट्स होल स्ट्रक्चर वाइल चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं और वो अपना स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज करता है और वो किसी किस्म के रूल्स फॉलो नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इररेगुलर नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है मैन, तो मैन से हम मैन बनाते हैं, एम एन से एम ई एन बनाते हैं, मतलब इसके साथ एस या ई एस एड नहीं किया बल्कि अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया। वोमेन एंड वेमेन, वोमेन वोमेन सिंगुलर एंड वेमेन प्लूरल, राइट। चाइल्ड
चिल्ड्रन, इसने अपना कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया है, और किसी भी किस्म के रूल्स, यानी पहला जो मेन था वो मुख्तलिफ था, फिर वुमेन मुख्तलिफ था, फिर चाइल्ड चिल्ड्रन मुख्तलिफ थी, किसी किस्म के रूल्स फॉलो नहीं किया है, शेल्फ शेल्व्स नाइफ नाइफ्स। तो ये जो रूल जो नाउन्स है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इरेगुलर नाउन कहते हैं, और ये जो है ये किसी भी किस्म के रूल्स फॉलो नहीं करते। अब आते हैं जनाब काउंटेबल नाउन, ये भी ऑन द बेस ऑफ फंक्शन जो काइंड है नाउन के, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल जो है ये, इसके डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द काइंड ऑफ नाउन दैट वी कैन काउंट, नाउन के वो किस्म जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मतलब जिसका शुमार हम कर सकते हैं, और व्हेन वी नो द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, या तो हम इसका इसको काउंट कर सकेंगे या हमको इसका जो क्वांटिटी हो वो मालूम होगी। इसके एग्जांपल्स है अ डजन बनानास, तो बनानास बॉयज, बॉयज जो है 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, हम इसको जो है काउंट कर सकते हैं। गर्ल्स, गर्ल्स जो है सॉरी गर्ल्स, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो हो क्लास में हो एक स्कूल में, उसको भी हम काउंट कर सकते या उसका क्वांटिटी हमको मालूम होती है अक्सर, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब याद रखिए एक नोट की, व्हेन वी आस्क अबाउट काउंटेबल नाउन्स वी यूज हाउ मेनी, जब कभी भी हम काउंटेबल नाउन के बारे में पूछेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी बनानास डू यू नीड, आपको कितने हम कह सकते हैं आपको कितने केले चाहिए, तो आंसर ये होगा कि 2 dozen ऑफ बनानास। तो काउंटेबल नाउन के बारे में जब भी हम पूछेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी। फॉर एग्जाम्पल अगेन, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी बनानास डू यू नीड, सो 2 dozen ऑफ बनानास। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के और, सो द काइंड ऑफ नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, द काइंड ऑफ नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, और व्हेन वी डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, या तो हम इस किस्म के नाउन को मतलब काउंट नहीं कर सकेंगे, जिसका शुमार हम नहीं कर सकते, या उस वो नाउन जिसका क्वांटिटी जिसका मकदार हमें मालूम ना हो। इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं शुगर, ऑयल, वाटर, मिल्क। शुगर, कितनी शुगर है हम हमको उसका पता नहीं होता, ऑयल हम इसको मतलब उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम एक नोट अब यह भी याद रखें कि जिस आई मीन हम जब भी कभी मतलब जब कभी हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पूछते हैं तो हम जो है मतलब क्या यूज़ करते, हम वहाँ यूज़ करेंगे जनाब हाउ मच। व्हेन वी आस्क अबाउट अनकाउंटेबल नाउन वी यूज हाउ मच, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच शुगर डू यू नीड, सो द आंसर वुड बी अ के जी ऑफ शुगर। हाउ मच ऑयल डू यू नीड, सो वी कैन से अ गैलन ऑफ ऑयल। हाउ मच वाटर डू यू नीड, सो अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 glasses ऑफ वाटर, 4 glasses ऑफ वाटर, राइट। सो दिस इज वॉट दिस वॉज अनकाउंटेबल नाउन, इट वॉज ऑल अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो फाइनली नाउन जेंडर, वी यूज नाउन्स फॉर डिफरेंट जेंडर्स एंड समटाइम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसजेंडर्स एज वेल। फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन एज मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। सो कभी कभार नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जब भी हम कभी किसी नाउन को यूज़ करते हैं तो हम ज़रूर एक स्पेसिफिक नाउन जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक जेंडर की तरफ वो इशारा कर रहा होता है, या तो वो नाउन मेल की तरफ इशारा कर रहा होगा या फीमेल की तरफ इशारा कर रहा होगा या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ और या किसी ट्रांसजेंडर की तरफ, मतलब ह्यूमन बींग हो लेकिन मेल ना, तो मेल हो ना फीमेल हो। सो इसका जिसका जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इट्स जेंडर किया गया है वो ये है कि एक है मस्कुलाइन जेंडर, द काइंड ऑफ नाउन विच रिप्रेजेंट्स और शोज अ मेल जेंडर। वो जेंडर आर काइंड ऑफ नाउन जो कि रिप्रेजेंट करता है या शो करता है हमें एक मेल जेंडर को, जिसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अली अहमद, जो कि मर्द को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अली अहमद, जिया, जैद, ऑक्स, लाइन एट्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा जो फेमिनाइन जेंडर है, द काइंड ऑफ नाउन और वी कैन से द जेंडर ऑफ नाउन विच रिप्रेजेंट्स और शोज अ फीमेल जेंडर, वो काइंड या वो जेंडर ऑफ नाउन जो कि जाहिर करता हो किसी फीमेल जेंडर को, समझ रहे हो, फीमेल जेंडर मतलब औरत को जो या जनाना को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसके एग्जाम्पल्स है आलिया, सना, आसमा, काव, लायनेस एट्सेट्रा, जो ही फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स है। तो जो
तो ये जो दो जेंडर्स हो, ये ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग में से फिर मस्कुलाइन जो हो मेल की और फेमिनाइन जो हो फीमेल की ओर। इसके अलावा जो न्यूट्रल जेंडर है, द काइंड ऑफ नाउन विच रिप्रेजेंट्स और शोज एन ऑब्जेक्ट और अ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर इज द पर्सन हु इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो कि किसी न्यूट्रल जेंडर जो है वो जेंडर होता है जो कि किसी हाँ मतलब या तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल बुक हुआ, चेयर हुआ, टेबल हुआ, पेन हुआ, या किसी ट्रांसजेंडर को मतलब फीमेल को, मतलब जो न मेल हो न फीमेल हो, मतलब जो न मर्द हो न औरत हो। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ट्रांसजेंडर हो गई, जिस जेंडर इसको इस जेंडर को कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर, समझ रहे हो। तो ट्रांसजेंडर जो है दरअसल ये ह्यूमन होगा लेकिन मतलब मेल होगा और न फीमेल होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो बुक हो और चेयर हो, टेबल हो, ये ह्यूमन बींग नहीं होंगे, मतलब ये इन एनिमेट सॉरी इन इननेट ऑब्जेक्ट्स होगी, इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होगी। तो इट वॉज ऑल अबाउट नाउन, इट्स डिफिनीशन, इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स एटामोलॉजी एंड द काइंड ऑफ नाउन ऑन द बेस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ नाउन ऑन द बेस ऑफ इट्स फंक्शन एज वेल एज नाउन जेंडर। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी भी किस्म की क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, मैं क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से बीमार था और क्लास इसलिए आज लिया कि मैं सोच रहा था कि कहीं जो स्टूडेंट्स है वो ये ना सोचे कि मतलब एक क्लास लिया और फिर गायब हो गया। लिहाजा किसी को भी किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। अगर मेरे लैंग्वेज में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो, एक्सेंट में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग पूछ सकते हो। अगर मैंने कोई गलती की हो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो बिलो। लेकिन याद रखिए नाजीबा अल्फाज से ग्रेस करें। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, अगला जो हमारा लेक्चर होगा इट विल बी अबाउट द किंग और द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज नोन एज वर्ब। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे विद अस you know till the upcoming session, and wish you best of luck. Thank you so much. Stay blessed, stay happy, stay with us.